वही कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 वही कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो अनेक है आवाज दो अनेक है आवाज दो अनेक है शहीद के लेंगे अपना हक शहीद के लेंगे अपना हक और बल्लो कलबड्डी जिंदाबाद 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 और बल्लो कलबड्डी जिंदाबाद 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 वही कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 वही कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो अनेक है आवाज दो अनेक है आवाज दो अनेक है अपना हक छीन के लेंगे अपना हक साडा हक एके रख साडा हक एके रख जो हमसे चकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमारी मुख्यमंत्री ये है कि जो यूटी एक्ट है उसके बारे में लागू किया जाए उसी, क्योंकि जहाँ जो अमित शाह जी आए थे उन्होंने यूटी एक्ट के बारे में लागू करने का आर्डर दिया हुआ है गवर्नर साहब को, पर गवर्नर साहब ने अभी तक यूटी एक्ट को लागू नहीं किया है। जो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत एक मुश्किल की घड़ी है, इस टाइम जितनी महंगाई चल रही है सफाई कर्मचारियों का दो बट का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है, जिस वजह से हमारे डेली वेजर जो कैजुअल लेबर हैं वो 18-18, 20-20 साल से बेचारे कहीं रिटायर हो गए हैं, बेचारे मर गए हैं ऐसे, पर आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। और हम ये चाहते हैं कि यूटी एक्ट को लागू किया जाए और जो हमारे डेली वेजर हैं उनको परमानेंट किया जाए। जैसे सरकार ने एरिया तो बढ़ा दिए, वार्डे बढ़ा दी, पर सफाई कर्मचारी नहीं है बढ़ाए। जैसे सांबा में देखे जाए तो आज हमारे पास 27 कर्मचारी हैं टोटल, और जो जब से काउंसिल बनी है काउंसिल में कम से कम ही 100 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे 16-17 आदमी काम कर रहे हैं, कुछ लेडीज़ हैं कुछ जेंट्स हैं जिनको अलग अलग दफ्तरों में दिया गया है, जो कि जो कमेटी दफ्तर वालों का काम है उनके एरिए पड़ते हैं, उनके अलावा भी हमें बाहर अंदर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम चाहते हैं कि नई पोस्टें भी निकाल ली जाए और जो हमारे डेली विजिटर बंदे हैं उनको परमानेंट किया जाए। आज हमारे इस प्रदर्शन में विजयपुर के प्रधान आए हैं, रामगढ़ के आए हैं और सांबा के प्रेजिडेंट भी यहीं पर मौजूद हैं, और जो हमारी बाकी 37 कमेटियाँ हैं सभी इस टाइम धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और गवर्नमेंट साहब से हमारी यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है इन बंदे को परमानेंट किया जाए और हमारे जो हक हकूक बनते हैं वो हमें दिए जाएं। अगर ये 2-3 दिन में मसला हल नहीं हुआ तो और भी इससे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होगा, सभी सफाई कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट की होगी, गवर्नर साहब की होगी और डायरेक्टर साहब की होगी। हमने जितनी बार भी कोशिश की है हमें इन्होंने लारे दिए हैं, कभी हमारे काम को इन्होंने सिरे नहीं चढ़ाया। हम जब भी जाते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लारे पे लारे लारे पे लारे। हमारे पांच स्टेट है, पंजाब स्टेट में सभी जो डेली विजर है कैजुअल लेबर है उनको परमानेंट किया गया है। ये तो तक के 4 साल वाले भी बंदे उनके परमानेंट हुए हैं, और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इधर 20-22 साल के आदमी हैं, औरतें हैं जो बेचारे दर बदर हो रहे हैं, 6500 रुपये में कोई गुजारा नहीं होता। वैसे यूटी के हिसाब से चले तो 18000 रुपये बनती है, जिसकी वजह से आज तक इन्होंने लागू नहीं किया। इस करके गवर्नमेंट से यही हाथ जोड़कर बेनती है कि हमें उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर मत करें।